देख रहे हैं मिनेस न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। गिट्टी खदान पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया किशोरी को। नागपुर में कोरोना काल के 15 महीने में हुआ 53,000 बच्चों का जन्म। नागपुर में उत्तर पूर्व की दूरी कम करेगा पीली नदी का पुल, गडकरी के हाथों हुआ उद्घाटन। देखते हैं खबरें विस्तार से। गिट्टी खदान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक किशोरी के अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर किशोरी को उसके चंगुल से मुक्त कराया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी निखिल कोडे 7 नवरी बाजार गांव कोंडाली का निवासी है। निखिल मजदूरी करता है। पहले वह किशोरी के घर के पास रहता था। पश्चात निखिल ने किशोरी को प्रेम संबंधों में फांस लिया और बहला फुसला कर उसका अपहरण किया और उसे कोंडाली ले गया। किशोरी के माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया। खोजबीन के दौरान पुलिस को निखिल की लोकेशन कोंडाली में मिली थी। किशोरी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। दूसरी खबर, पिछले 15 महीने के बीच यानी कोरोना काल के दौरान उपराजधानी में बच्चों का जन्म दर खास प्रभावित नहीं हुआ। जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021 तक 53,857 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें 27,787 बेटे व 26,070 बेटियां शामिल है। इस दौरान महानगर पालिका ने 2,61,161 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए। आरटीआई एक्टिविस्ट अभय कोलारकर को मिली जानकारी के अनुसार 409 बच्चों की गर्भ में ही मृत्यु हो गई, जिनका प्री मैच्योर जन्म हुआ। उनमें 236 बेटे और 173 बेटियां शामिल है। इस दौरान 39,360 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 24,291 पुरुष व 15,069 महिलाएं शामिल है। इस साल पहले 3 महीने में ही 7,709 लोगों की मृत्यु हुई। तीसरी खबर, उत्तर व पूर्व महानगर को जोड़ने वाली पीली नदी पर बने पुल का लोकार्पण शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों हुआ। इस पुल से उत्तर व पूर्व नागपुर की दूरी कम होगी। राज्य के लोक कर्म विभाग द्वारा पुल का निर्माण किया गया। इसके लिए निधि की व्यवस्था केंद्रीय सड़क निधि से की गई। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की अध्यक्षता में हुए समारोह में महापौर दयाशंकर तिवारी भी उपस्थित थे। यह पुल वांजरा के औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाला मुख्य हिस्सा है और उत्तर व पूर्व में मुख्य सड़क का काम करेगा। यह पुल ईंट भट्टी वांजरा के मुख्य क्षेत्र को जोड़ता है। इसी के साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मेनेस न्यूज लाइव। नमस्कार।